होडल, एक तरफ कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा है, सरकार कोरोना से बचाव के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस कड़ी में कुछ समाज सेवियों द्वारा भी कोरोना से बचाव के आगे आ रहे हैं। समाज सेवियों द्वारा होडल थाने में भी आज सैनिटाइजर मशीन डोनेट की गई ताकि कोरोना से बचाव किए जा सके। होडल पुराना जीटी रोड स्थित राजीव चौक के सामने होडल उपमंडल नागरिक अमरदीप सिंह ने जानकारी देते बताया कि सैनिटाइजर मशीन हरियाणा प्रदेश के होडल थाने में सबसे पहले लगाई गई है। इसके अलावा हरियाणा के किसी भी थाने में सैनिटाइजर की मशीन नहीं लगी है। ये मशीन पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। जैसे ही कोई व्यक्ति अंदर जाता है तो मशीन ऑटोमेटिक चालू हो जाती है और 7 सेकंड में बाद पूरा सैनिटाइज कर बंद भी हो जाएगी। इस मशीन की कीमत 1,20,000 रुपये है। ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन उद्घाटन होडल उपमंडल अधिकारी नागरिक अमरदीप ने रिबन काट कर किया। रिबन काटते समय उनके साथ होडल DSP विवेक चौधरी व होडल थाना प्रभारी रमेश कुमार। उन्होंने बताया कि मशीन कोरोना से बचाव में बहुत कारगर साबित होगी। उन्होंने बताया कि इस तरह की मशीनें हर ऐसी जगह पर लगनी चाहिए जहां से लोगों का आवागमन जारी रहता हो ताकि कोरोना से बचाव हो सके। होडल थाने में सैनिटाइजर मशीन गिफ्ट की है और हरियाणा का पहला थाना है जिसमें सैनिटाइजर मशीन गिफ्ट की है और है भी, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी, अभी इसका उद्घाटन किया है और ये जो ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन जो हमारे एक यहाँ की कंपनी है DS ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड, उसके एक नौजवान साथी है राघव मित्तल, उन्होंने बनाई है और मैंने इसका उद्घाटन करने के बाद मैंने इसको यूज़ भी किया है। ये बहुत अच्छी और कोरोना बीमारी को रोकने के लिए बहुत अच्छी मशीन। सर, क्या संदेश जाता है इस मशीन को इनके द्वारा गिफ्ट करने पर? क्या जनता को क्या संदेश जाता है इसके मशीनों गिफ्ट करने पर इनके द्वारा? जनता को वैसे तो अपने लेवल पे परहेज रखना चाहिए और इस मशीन को यूज़ करने से कोरोना से बचा जा सकता। सर, इनसे पुलिस कर्मचारियों को कोई सुरक्षा भी मिलेगी? पुलिस थानों में नहीं, बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सभी हमारे जो जितने भी ऑफिस हैं, जितने भी पब्लिक प्लेसेज हैं, चाहे वो सेक्रेटरीट हैं या DSP ऑफिस हैं या दूसरे ऑफिस हैं, सभी में इस तरह की मशीन लगानी चाहिए।